हमारे साथ अभी निशिकांत हैं जो 2021 बैच में जेएनयू में एमबीए में जो यहाँ का एक स्कूल है एबीवी एसएमई उसमें एडमिशन लिए थे और 2023 में इनकी डिग्री पूरी हुई है। लेकिन दुखद बात यह है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका डिग्री नहीं दे रहा है, क्योंकि जो जेएनयू में एमबीए करने की फीस है उस फीस को बोल रहे हैं कि इन्होंने पूरा नहीं किया है, उनको पेड नहीं किया। तो हम जानेंगे कि आखिर क्यों निशिकांत का डिग्री जो है जेएनयू में रोका गया है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन अभी कम से कम एक साल होने जा रहा है इनकी डिग्री को रोक करके रखा है। तो हमारे साथ निशिकांत, निशिकांत आपका एडमिशन कब हुआ था? हमारा नामांकन सेशन 2021 बैच के बैच में हुआ था। ठीक है, तो आपका एडमिशन हुआ था तो उस वक्त कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था या फिर कैट? कैट कैट मैंने दिया था, कैट के बेस पे हमारा यहां पे शॉर्टलिस्ट हुआ था। ठीक है, इंटरव्यू कॉल आया, फाइनली मैं इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया, उनके निर्देशा मिला, फाइनली मुझे कॉल कॉल लेटर प्राप्त हुई। क्योंकि फीस ज़्यादा थी इस वजह हमारे फाइनेंशियल बजट में नहीं था, इसलिए जो जेएनयू का डेडलाइन था उसके अंदर मैंने एडमिशन कंप्लीट नहीं किया और मैंने अपने फाइनेंशियल बजट के अकॉर्डिंग अदर कॉलेज में नामांकन के लिए सर्च करना शुरू कर दिया। एनआईटी राउरकेला और आईआईटी सुपौल मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। जिसकी फीस हमारे फाइनेंशियल बजट में था। इसी दौरान मुझे जेएनयू के संबंधित अधिकारी से कॉल आता है कि आपको हमारे यहाँ नामांकन लेना चाहिए। मैंने उसको बताया कि हमारी आपका जो एमबीए फीस है वो अधिक है जो हमारे फाइनेंशियल बजट में नहीं है, इसलिए मैं एनआईटी राउरकेला और आईआईटी सुपौल में सोच रहा हूँ नामांकन लेने का। फाइनली मैं आईआईटी सुपौल में लेना चाहता था और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप वहाँ छोड़ दो, हमारे यहाँ नामांकन लो, हम फीस वगैरह में मदद करेंगे। कौन वो अधिकारी थे जिसने आपको फोन किया था? बहुत सारे अधिकारी कॉल आया था, उनमें डीन सर भी थे और क्या नाम सर डीन था? प्रोफेसर अरविंद कुमार। प्रोफेसर अरविंद कुमार, तो उन्होंने आपको फोन किया और उन्होंने आपको ये बोला कि आपका एडमिशन ऑफर हो रहा है, आपने ये बोला कि मेरा फाइनेंशियल बजट में नहीं है। मैंने डेडलाइन था 10 अगस्त का, वो डेडलाइन में मैंने अपना एडमिशन नहीं। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब मैं अदर कॉलेज में जा रहा था एडमिशन लेने के लिए, उसी दौरान मुझे कॉल आता है कि आपका एडमिशन कंप्लीट फॉर्मेलिटीज के साथ कंप्लीट हो गया है। बिना कुछ किया आपका एडमिशन? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा प्रमाण क्या है। हाँ। उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फोलियो मुझे दिए जिसमें मेरा डेट ऑफ एडमिशन 15 नवंबर 2021 मेंशन था। डेट ऑफ एडमिशन 15 नवंबर? हाँ। आप कभी फोन? इससे पहले हमारा मिड टर्म एग्जाम भी करवा लिया गया था। आप ये बोल रहे हैं कि बिना आपके पता किए आपका एडमिशन हुए, वो आपको एक दिन अचानक फोन करते हैं कि आपका एडमिशन हो गया है, तब तक आपने कोई फीस भी नहीं दिया है, पहले जो कॉल आया उसमें आपने मना कर दिया है और वो आपको फोलियो भेज रहे हैं और बोलेंगे आपका एडमिशन भी हो गया, आपका एडमिशन भी हो गया, आप दूसरे जगह छोड़ के हमारे यहाँ ले लीजिए और बाकी फीस में हम लोन वगैरह मदद करें, कुछ फीस माफ वगैरह भी कर। ये बात नवंबर की है? हाँ, नवंबर 2021। नवंबर 2021 की, मतलब 15 नवंबर के बाद की बात है। अच्छा, तो ये आपके साथ हुआ, तो ठीक है, उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया। ये चलता रहा एक साल, हमने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कम्प्लीट कर लिया, उस दौरान मुझे किसी भी प्रकार का फीस वगैरह नहीं मांगा गया। जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर में मुझसे पैसे की दवा बनाया जाने लगा था, पैसे को अदरवाइज आपका कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। ये सवाल, ये जो शब्द है कि हमका कैरियर बर्बाद कर देंगे, इसका सब ये एडमिशन ब्रांच से कॉल आया था। एडमिशन ब्रांच से कॉल, उस ऑफिसर का कुछ नाम पता आपको? नाम तो कॉल आया था उसका, उस कॉल की कोई भी रिकॉर्डिंग अभी आपके पास नहीं है? ठीक है, ये बोला है कि आपका हम करियर बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया, किस चीज़ दिया? इसलिए मैंने बोला कि ठीक है सर, कभी आप बोलते हो मेरा एडमिशन हो गया, कभी कहते हो आप मेरा कैरियर बर्बाद कर देंगे, कभी कहते हो आप एडमिशन नहीं है, तो मैं कैंपस विजिट करता हूँ, फिर जो हमारा जो एडमिशन स्टेटस है वो मैं देखूंगा, फिर बैंक हम आगे आपके लोन वगैरह का बोले तो मदद कीजिए, मैं कभी भी पे कर पाऊँगा। मैं यहाँ आया तो मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट में अब्सेंट कर दिया गया था प्रायर इन्फॉर्मेशन। मैंने उनसे पूछा, इस बीच में जो आप कैंपस विजिट किए उससे पहले कभी यहाँ पे एग्जाम दिए थे ऑनलाइन माध्यम से? हाँ, हुआ था ऑनलाइन माध्यम से, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर हमारा हो गया था ऑनलाइन। क्लासेस चल रहे थे? क्लासेस चल रहे थे, बट मुझे प्रॉपर जो अदर स्टूडेंट क्लास दिया गया था कंप्लीट क्लासेस वो भी मुझे नहीं दिया गया। सेकंड सेमेस्टर में तो मुझे 90% क्लास नहीं दिया गया। तो अभी आपकी डिग्री जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक के रखा है जी, वो क्या कह रहे हैं, उसने लोन देने में कोई मदद की आपकी? नहीं, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। और इवन कि उन्होंने बैंक से आया, मेरे को मेल आया था, उस पर उनके रिस्पॉन्स में लिखे कोई बैंक ने आपको कोई मेल वगैरह नहीं दिया है, ऐसा क्यों लिखे हैं, तो वही जाने आप किस किस अभी तक जेएनयू के स्टाफ से या जेएनयू के ऑफिसर से मिल चुके हैं और उसका क्या? ऑलमोस्ट जेएनयू के सभी अधिकारियों से मैं मिल चुका हूँ, सभी अभी तक कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स उनकी ओर से नहीं रहा है जिससे हमारा एकेडमिक कैरियर सही हो सके। इवन की मैंने 11 मई 2022 को लोन डॉक्यूमेंट इशू करने का अनुरोध किया था, वो डॉक्यूमेंट मुझे 25 मई 2023 को मिलता है, जो कोर्स जो हमारा सेशन है कम्प्लीट होने से 1 सप्ताह पहले। फिर भी मैंने अपने लेवल पे सिंपैथेटिकली
बैंक के सीनियर अथॉरिटी से मिलता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर हमारा कैरियर हैम्पर्ड हो रहा है ड्यू टू फीस, इसलिए सर हमारा लॉन्ग एजुकेशन लॉन्ग कंसिडर किया जाए और मुझे मेरे फीस जमा करने के लिए मुझे बैंक का क्या रिस्पॉन्स रहा? बैंक ने तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा था, उन्होंने यूनिवर्सिटी को मेल किया, ठीक है, उस मेल पे इनका जेन्युइन डिसीजन से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था, हमेशा लापरवाही हमारे केस में बढ़ते रहे, जिस नतीजन ये हुआ कि हमारा बैंक लॉन्ग एजुकेशन नहीं हो पाया। तो ठीक है, अभी आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ जो निशिकांत थे और जिसने अपना पूरा का पूरा केस बताया, उसके बाद हम थोड़ी भूमिका में जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जेएनयू में जब एबीयूएसटी खोला गया था ये स्कूल, और विदाउट कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के, हम देखते हैं कि जेएनयू में ऐसे स्कूल्स बनाए गए और इसका फीस जो है बहुत अधिक बनाया गया। ये स्ट्रक्चर जो जेएनयू के बाकी कोर्सेज के फीस से बहुत अधिक है, लगभग 8 लाख आई थिंक पूरे कोर्स का, 8 लाख कैटेगरी वाइज ऑफिसर को एप्लीकेशन लॉन्ग करता हूं, हमारे पास 8 लाख रुपए है। अच्छा, आप ओबीसी समाज से आते हैं तो आपकी 8 लाख फीस है, बाकी का 12 लाख रुपए, बाकी के 12 लाख फिर हम देखते हैं कि जो उनका बहुत ही पुअर है, क्योंकि एक एवरेज कॉलेज का अगर आप देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि निशिकांत ओबीसी समाज से आते हैं और जिनकी फीस जेएनयू में एमबीए करने की 8 लाख है। ये वही स्कूल है जिसके बारे में पता होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने रूलिंग्स दिया था जब यहाँ के पीएचडी स्कॉलर्स गए थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट की ये रूलिंग्स थी कि यहाँ पे कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इस कारण से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण तो इसकी फीस अधिक ली जाती है पीएचडी करने की, उसकी कम की जाए, और उसके बाद कम हुई भी। लेकिन हम देखते हैं कि उसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यहाँ पे एमबीए के कोर्सेज में लोगों के एडमिशन्स ले रहा है, और उनको ये बताया जा रहा है कि आप जो है हम आपको लोन दिलवाने में मदद करेंगे, लेकिन लोन दिलवाने में जब स्टूडेंट्स खुद से आगे बढ़ते हैं तो लोन में मदद भी नहीं दिलवाई जाती है, और ऊपर से उनकी डिग्री को रोक करके रखा गया है। आई थिंक जब तक इनका एमबीए का डिग्री नहीं मिलेगा तो इनके प्लेसमेंट्स भी नहीं हो पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि स्कूल लेवल पे कोई प्लेसमेंट होता है, बहुत ही पुअर। तो आपको कोई प्लेसमेंट का कहीं से कोई ऑफर आया? ऑफ कैंपस मुझे मिला था, उसमें मैंने जनरल से रिक्वेस्ट किया था सर हमें मेरा डिग्री मुझे दिया जाए ताकि मैं अपना जॉब कर सकूँ, और जब जॉब होगी हमें पर्सनल लोन वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन लोन में आपने तो सहयोग टाइमली किया है, इस वजह से मेरा सफल हुआ, तो मुझे इसमें मदद किया जाए, उसमें भी उन्होंने टाइमली कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि निशिकांत को बाहर जो ऑफ प्लेसमेंट से, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से जॉब ऑफर हुआ, वो भी जॉब इनके हाथ से निकल गई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको डिग्री नहीं दे रहा था, नहीं दिया है अभी तक। तो हम इस बात को यही करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से और तमाम मीडिया हाउसेस से यही गुजारिश है कि निशिकांत के केस को थोड़ा कवर करें, और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन तो लगातार इस बात पे मतलब बेहद ही अलग तरीके से स्टूडेंट्स का शोषण कर रहा है। जेएनयू जैसे कैंपस में, जिस कैंपस को हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी माजनाइज सेक्शन से स्टूडेंट्स आकर के कभी भी कम फीस में बिना पैसे की चिंता किए पढ़ सकता है, यहाँ पे ऐसे स्कूल्स खोले गए हैं जहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा है, जहाँ पे स्कूल्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो निशिकांत, तो हम इस बात को ही बंद करते हैं और अपील करते हैं जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको जो है इस केस को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें और निशिकांत की डिग्री को जल्द से जल्द लौटाएं। धन्यवाद।